आज कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है, देख रहे हैं ना, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सब्जेक्ट की बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन पेपर आए, यही क्वेश्चन पेपर आपके विद्यालय में आ रहा है। जैसा आप जानते हैं कि हम 3-4 सेट वीडियो डालते हैं, तो यह पेपर आपकी 5 सेट मिलेंगे, तो सेट नंबर 1 होगा, और 3-4 सेट डालने का मतलब है कि पूरी आपकी किताब तैयार हो जाए, पूरी पढ़ाई आपकी कंप्लीट हो जाए, और यही क्वेश्चन पेपर आपके विद्यालय में आ रहा है। जल्द से जल्द जुड़ जाइए, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले, और यदि आप पुराने छात्र हैं, पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो शेयर करना न भूलें, अधिक से अधिक विद्यार्थियों को जोड़ें, ताकि हमारा भी हौसला बना रहे, आपको प्रतिदिन वीडियो नया से नया सब्जेक्ट के मिलते रहें। तो जैसा इंग्लिश है, बिना समय गंवाए हुए क्वेश्चन पेपर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, देख रहे ना। सेक्शन ए कह रहा है, व्हाट लेंचो एक्सपेक्ट इन रिप्लाई टू हिज लेटर इज, मतलब लेंचो ने क्या आशा किया था पत्र लिखने पर, तो 100 पीसोस, बी विकल्प इसका सही है, 100 पीसोस उसने डिमांड किया था। राइट द पोएट्स नेम डस्ट ऑफ स्नो, आपके यहाँ एक पोएम है डस्ट एंड स्नो, कक्षा 10 में अगर आप देखेंगे तो उसका राइटर का नाम पूछ रहा है, उसके राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, देख रहे हैं ना, तो डी विकल्प सही है। सभी विकल्प पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, सभी हल करना है। तीसरा विकल्प है, वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, जुड़ जाइए और टॉप करना है, यही क्वेश्चन पेपर आपके विद्यालय में आ रहा है। व्हाट डिड द क्रो डू टू द हेलमॉक ट्री, हेलमॉक ट्री पर बैठा हुआ कौवा क्या किया, तो उसने सुकिट, पेड़ के डालों को हिलाया, तो पहला विकल्प सही है। चौथा है, आइस सिंबलाइज्ड बर्फ प्रतीक है किसका, कोल्ड एटीट्यूड ऑफ पीपुल, नीरस का प्रतीक है, सी विकल्प सही है। पांचवा है, द ऑथर्स एज एट द टाइम ऑफ द इगोनोरेशन वाज, मतलब लेखक का उद्घाटन के समय कितनी उम्र थी, आप अपना किताब जो पढ़े होंगे पाठ देख लेना, बिल्कुल आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगला है छठवां, द कॉमरेड रिएक्टेड टूवर्ड्स अटैक एंड टॉर्चर्स बाई, अब इसमें से कौन सा विकल्प सही है, देख रहे हैं ना, जो सही हो उसमें से टिक कर देना। अगला है सातवां क्वेश्चन है, द डियर फ्रीक्वेंट्स द वाटर होल ऑफ, इसमें जो सब विकल्प सही हो टिक करना है, चार विकल्प दिए गए हैं। द यंगर सीगल वाज एलोन ऑन हिज लीज बिकॉज, अब देख रहे हैं ना, अब क्यों था, ही हैज नो फैमिली ऑफ हिज ओन, इट ही हैज नॉट मेड हिज नेस्ट, ही वाज टू यंग टू स्टार्ट फ्लाइंग, हिज पेरेंट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड फ्लोन अवे स्किप्ड हिम एज ही वाज अफ्रेड टू फ्लाई, यही सही है इसका चौथा, अगर आप पार्ट पढ़े होंगे तो टिक कर लेंगे, देख रहे हैं ना, वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, और यही क्वेश्चन पेपर आज जुड़ जाए, देख रहे हैं ना। एनी फ्रैंक स्टार्टेड ए डायरी बिकॉज, एनी फ्रैंक डायरी लिखना क्यों शुरू किया, सी हैड नो रियल फ्रेंड सी कुड टॉक टू, तो यहाँ पहला विकल्प सही है। दसवां क्वेश्चन है, एनीज मदर आल्सो हैड द हैबिट ऑफ टॉकिंग मच, देख रहे हैं ना, तो इसका डी विकल्प सही है। अब व्याकरण है, ग्रामर का क्वेश्चन है, बिल्कुल वीडियो को पूरा देखना, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, टॉप करना है, 100% अंक प्राप्त करने हैं, यही क्वेश्चन पेपर आपके यहाँ आ रहा है, तुरंत जुड़ जाइए। ग्रामर का क्वेश्चन है कि प्लूरल ऑफ माउस, माउस का बहुवचन माइस होता है, तीसरा विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, राम इज ए नाउन, राम नाउन है किस प्रकार का, कई प्रकार के नाउन आप पढ़े होंगे, तो प्रॉपर नाउन है, कौन सा नाउन है, प्रॉपर। अगला है, ही इज ए गुड टीचर, वह एक अच्छा अध्यापक है, सी विकल्प सही है इसका, देख रहे हैं ना। 14वां क्वेश्चन है, आई राइट ए लेटर इन ब्लू इंक, मैं एक पत्र काली से आही नीले से आही में लिखता हूँ, इन ब्लू इंक नीले में। अगला है, आई राइट ए लेटर विथ पेन, मैं एक पत्र कलम की सहायता से कलम से लिखता हूँ, देख रहे हैं ना। 16वां क्वेश्चन है, सी डिड, इसको निगेटिव में बदलना है, सी डिड उसने किया, तो क्या किया, सी इसको निगेटिव, सी डिड नॉट डू, सी डिड नॉट डू, चौथा विकल्प सही होगा। 17 क्वेश्चन है, फाइंड द सब्जेक्ट, करता ढूंढो, द पर्सन हु रेस्पेक्ट टीचर इज ग्रेट, द पर्सन हु रेस्पेक्ट टीचर्स इज ग्रेट, तो कौन सा इसमें करता है, सब्जेक्ट क्या है, द पर्सन है इसका, क्या है, द पर्सन। अगला क्वेश्चन है, प्लूरल ऑफ ऑक्स,
आक्स का बहुवचन क्या होता है? आक्सन होता है। बी विकल्प सही है। सी इज द एमए, सी जहाँ शॉर्ट फॉर्म लगे हों उसके पहले आर्टिकल दी आता है, तो सी इज द एमए। अगला है विषमा क्वेश्चन, सी इज फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग टी, यहाँ ड्रिंकिंग भरा जाएगा, वह चाय पीने का शौकीन है। सेक्शन बी, क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ेंगे, देख रहे हैं ना, क्वेश्चन एक नहीं छोड़ना है, पूरा अटेम्प्ट करना है। राइट ए लेटर ऑफ कंडोलेंस ऑफ योर फ्रेंड ऑन द डेथ ऑफ हिज मदर, देख रहे ना, या इसके जगह पर अगला क्वेश्चन है, एक दिया गया है इसको करिए। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन, डू नॉट राइट योर नेम आर रोल नंबर, देख रहे ना, तो इसको क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। कैसे लिखेंगे हम देखते हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन ना दिया गया, बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। इस तीन प्रकार से क्वेश्चन है, चाहे ए क्वेश्चन है, चाहे अथवा लिखा गया है, ए आए अथवा, तो यही आपको लिखना है, देख रहे हैं ना। आप आंसर कैसे लिखेंगे देख लीजिए, द प्रिंसिपल ऑफ कहनौर लाल स्कूल, तो आप अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे, यहाँ चेंज करेंगे अपने विद्यालय का नाम, मेरठ यूपी, अपने ज़िले का नाम लिखेंगे यूपी लिखेंगे, ठीक है ना। तो 2 दिसंबर जिस दिन आप लिखेंगे उस दिन का तारीख डालेंगे, सन डालेंगे 2022, देख रहे हैं ना। तो ऑल इंडिया के सभी हिंदी मीडियम इस बच्चों के लिए यही क्वेश्चन पेपर आ रहा है। ऑल इंडिया में हिंदी मीडियम के छात्र अलर्ट हो जाएं, और क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट है रिक्वेस्ट फॉर फी कंसेशन, फिर रिस्पेक्टेड सर आई एम दास स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ माई फैमिली इज नॉट गुड, माई फादर इज द ओनली अर्निंग मेम्बर इन द फैमिली एंड ही इज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल ड्यू टू हिज इलनेस, सो आई एम अनेबल टू पे माई स्कूल फीस, काइंडली ग्रांट मी फुल कंसेशन इन स्कूल फी, देख रहे ना, आई विल बी हाईली ऑब्लाइज टू यू, योर्स ओबेडेंटली एक्स वाई जेड, देख रहे हैं ना। इस तरह से वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, पूरा लिखना है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सेक्शन सी से है, राइट एन आर्टिकल एनी वन ऑफ देम मॉर्निंग वॉक माई विलेज, देख रहे हैं ना, आपको लिखना है, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तो इसका लेते हैं आंसर, देख रहे हैं अगला क्वेश्चन था, मतलब आर्टिकल से लिखना था किस पर, ऑफ एनी वन मॉर्निंग वॉक माई विलेज, दो में से एक करना है, तो माई वॉक माई विलेज आप, मैं दिखा रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ कैसे लिखना है, तो माई विलेज आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, द नेम ऑफ माई विलेज इज रामपुर, तो आप अपने गांव का नाम लिखेंगे, रामपुर नहीं लिखेंगे, द नेम ऑफ माई विलेज इज रामनगर भोजपुर ताला श्रिस्ताबाद, जो जहाँ के विद्यार्थी होंगे अपने गाँव को लिखेंगे। और दूसरा है, इट इज इन आगरा डिस्ट्रिक्ट, यह आगरा जिले में है, तो आप जिस जिले से बिलोंग करते होंगे, जैसे इट इज इन डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़, या प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट, हम प्रतापगढ़ से बिलोंग करते हैं, तो इस तरह लिखेंगे, इट इज नीट एंड क्लीन, वही रहेगा क्वेश्चन। वी ग्रो 2 crops एवरी ईयर, हम प्रतिवर्ष दो प्रकार के फसल, दो फसल उगाते हैं। देयर इज ए रिवर नेम्ड सिरसा इन माई विलेज, तो इनके गांव के नदी का नाम है सिरसा, तो आप अपने गांव के नदी का नाम लिखेंगे, सही नदी हमारे गांव का नाम है। मेनली फार्मर्स लिव इन माई विलेज, बहुत से किसान मेरे गांव रहते हैं। देयर आर सम शॉपकीपर्स, कुछ दुकानदार, बार नाई, ब्लैक स्मिथ लोहार, कारपेंटर्स बढ़ई, एंड कॉबलर्स आल्सो, और जूता बनाने वाले मोची भी रहते हैं। द हाउस इन माई विलेज, मेरे गांव में घर आर मेड ऑफ ब्रिक, ईंट के बने होते हैं। अगला है नवा, देयर इज ए प्राइमरी स्कूल, एक प्राइमरी स्कूल है इन माई विलेज, मेरे गांव में। वी हैव एन ग्राम पंचायत आल्सो, मेरे गांव में एक ग्राम पंचायत भी है। द पीपुल ऑफ माई विलेज आर सिंपल एंड ऑनेस्ट, मेरे गांव के लोग साधारण और ईमानदार हैं। इस तरह से और अपना बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे, कम से कम एक पन्ना लिखेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक दिन ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, छोड़ना नहीं है, 4 नंबर का है, देख रहे ना। एक दिन एक कौवा एक आम के पेड़ पर बैठा था, उसकी चोंच में पनीर का एक टुकड़ा था। अचानक एक गीदड़ जो भोजन की खोज में इधर उधर घूम रहा था, उधर आ निकला, उसने वह टुकड़ा लेने का निश्चय कर लिया। इसको कैसे करेंगे देख रहे हैं, अब इसको देखिए कैसे करेंगे, इसके बारे में हम आपको ट्रांसलेशन किया है, दिखा रहे हैं, बिल्कुल क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा है, देख रहे हैं ना, ये ट्रांसलेशन आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या लिखेंगे पहले, वन डे एक क्रो वाज सिटिंग
सिटिंग ऑन द मैंगो ट्री, सिटिंग ऑन द मैंगो ट्री। आगे है देयर वाज ए पीस ऑफ चीज़ इन इट्स बीक, मतलब उसके चोंच में एक पनीर का टुकड़ा था, चीज़ बने पनीर इन हिज बीक बने उसके चोंच में। सडनली अचानक ए जयकाल, क्या है ए जयकाल, हु वाज वंडरिंग इन सर्च ऑफ फूड हेयर एंड देयर टूअर्ड्स केम ही डिसाइडेड टू टेक द पीस, देख रहे ना, और टुकड़ा लेने का निश्चय किया, द पीस ऑफ ब्रेड लिख देंगे तभी सही है, रोटी का टुकड़ा, चीज़ मतलब कि पनीर के टुकड़े को लेने का निश्चय किया। अब पांचवा क्वेश्चन है, देख रहे हैं पांचवा, पहले देख लीजिए क्या है पांचवा, चेंज एज सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट, किसमें बदलना है इनडायरेक्ट में, क्या है पहले देख लेते हैं, सी सेड टू मी दे वेंट टू आगरा यस्टरडे, दूसरा है यू सेड टू हिम सी रीड्स द गीता डेली, इनडायरेक्ट, दोनों इनडायरेक्ट बदलना है, तो कैसे बदलेंगे देख लीजिए, अगर आप पढ़े होंगे तो बदल लेंगे, तो ये हो जाएगा सी टोल्ड मी दैट दे हैड गॉन टू आगरा प्रीवियस डे, ठीक है ना, मतलब एस्टरडे को प्रीवियस डे में बदल दिया जाता है, प्रीवियस डे दिखाई दे रहा है ना। दूसरा यू टोल्ड हिम दैट सी रेड द गीता एवरीडे, डेली को एवरीडे में बदल दिया गया है, चेंज कर दिया गया है, ठीक, पैसिव वॉइस में बदलना है। अगला देखिए क्वेश्चन भी क्या है, अब दूसरा सी है आई डू इट, पैसिव वॉइस में बदलना है, यू नो हिम पैसिव वॉइस में बदलना है, दो वाक्य है, तो इसको कैसे करेंगे, आई डू इट का होगा इट इज डन दिखाई दे रहा है आपको, ए है इट इज डन बाई मी, यह मेरे द्वारा किया गया, तो ही इज नोन बाई यू, वह तुम्हारे द्वारा जानी जाती है, देख रहे हैं ना। अगला है, पहले प्रश्न देखते हैं क्या है, ई द लायन सीइंग रैन अवे ही री आर्डर, इसको व्यवस्थित करना है, कहाँ करता रहेगा, कब क्रिया रहेगा, कब क्या रहेगा, तो इसका री ऑर्डरिंग देख लीजिए कैसे किया गया है, वीडियो एक भी नहीं छोड़ेंगे, स्किप नहीं करना है, टॉप करना है, यही क्वेश्चन पेपर आ रहा है, तो इसको लिखेंगे सेइंग द लायन ही रैन अवे, सेइंग द लायन ही रैन अवे, रैन अवे मतलब भाग गया, शेर को देख कर वह भाग गया। अगला क्वेश्चन है, अगला सी फेल अब द बेल डॉट डॉट इन भरा जाएगा, टू भरा जाएगा कि इनटू, तो जहाँ गति अंदर जाने के लिए अब गतिमान हो तो इनटू भरा जाता है, सी फेल इनटू द बेल, वह कुएं में गिर पड़े, यहाँ इनटू भर देंगे। सी डिड दिस वर्क यस्टरडे, निगेटिव में बदलना है, इसका आई वाला देखिए, सी डिड नॉट डू दिस वर्क यस्टरडे, सी डिड नॉट डू दिस वर्क यस्टरडे, देख रहे हैं ना। अगला है क्या है, कंप्लीट करना है, आई सून आई सी रीच्ड द स्कूल वॉच क्लोज्ड, आप वॉच क्लोज्ड लिख देंगे, आई सून आई ही रीच्ड जो ही वह विद्यालय पहुंची, विद्या अगला है, तो इसमें हो जाएगा जो ही वह विद्यालय पहुंचा, विद्यालय बंद हो गया था, द स्कूल वॉच क्लोज, विद्यालय बंद हो चुका था, देख रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन है डी सेक्शंस है, इसको आप पढ़ेंगे पूरा, दिखाई दे रहा है ना, पूरा पढ़ेंगे, रीड द स्टैंजा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, जब आप पढ़ेंगे इसमें पूछा रहा है हु इज आई इन द अबव लाइन, ऊपर लाइन में आई किसके लिए है, तो राइटर के लिए आया है, क्या किसके लिए आया है, हु इज आई, तो आई इज इन द अबव लाइन राइटर, आप राइटर लिखेंगे। और दूसरा है हु आज मिस्टर कीजिंग दैट असाइंड द टास्क ऑफ राइटिंग टू द राइटर, तो यहाँ लिखेंगे मिस्टर कीजिंग वाज ए मैथमेटिक्स टीचर ऑफ एनी फ्रैंक के गणित के टीचर थे, पूरा यहाँ से लिख देंगे, पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। सातवां क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड, गिव द ब्रीफ करेक्टर स्केच ऑफ एनी फ्रैंक अथवा हाईलाइट द कंट्राडिक्शन एंड कन्फ्लिक्ट सी फेस्ड इन हर लाइफ। अगला क्वेश्चन है इसका, इसको लिखिए अथवा करके है, बी है हाउ डिड हेल स्टोन अफेक्ट लेंचोज फील्ड, देख रहे हैं ना, तो इसको कैसे लिखेंगे आप देख लीजिए,
देख रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, हाउ डिड वॉज से द रेन चेंज इन टू हेल एज द स्टॉर्म विंड बिगन टू ब्लो एंड ह्यूज हेल स्टॉर्म बिगन टू फॉल ऑल द क्रॉप्स इन लेंचोज फील्ड गॉट डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ द हेल स्टोन। हेल स्टोन के कारण, ओलों के कारण उसके संपूर्ण फसल नष्ट हो गए थे, देख रहे हैं ना, इसलिए उसकी आशा बदल गई। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, देख रहे हैं ना, पहले क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है आंसर एनी वन क्वेश्चन अबाउट 25 टू 30 वर्ड, 25 से 30 शब्दों में दो क्वेश्चन को हल करना है। हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड, हाउ मच डिड ही गेट, लेंचो के कितने रुपए की आवश्यकता थी और उसे कितना मिला, पहला क्वेश्चन। दूसरा है डिस्क्राइब अबाउट द एनी फ्रैंक अर्ली एजुकेशन। तीसरा है व्हाई वेयर टू नेशनल एंथम संग, देख रहे हैं ना, तीन में से दो करना है, तो पहले इसका लेंचो वाला देखते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर है, देख रहे ना, हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड, ये है लेंचो नीडेड 100 पीसोस टू सो ए न्यू क्रॉप, हाँ लेंचो को 100 पीसोस की आवश्यकता थी अगले फसल तैयार करने तक या बोने तक, एंड फीड हिज फैमिली, और अपने परिवार को भरण पोषण करने के लिए टिल द नेक्स्ट हार्वेस्ट, जब तक अगली फसल ना आ जाए। लेंचो गॉट ओनली 70 पीसोस, लेंचो को केवल 70 पीसोस मिले, व्हिच वाज लेस देन ही रिक्वेस्टेड टू गॉट, ये जो ईश्वर से प्रार्थना किया था उसकी अपेक्षा ये कम थे, देख रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन था, देख रहे हैं ना, डिस्क्राइब अबाउट द एनी फ्रैंक अर्ली एजुकेशन, इनके प्रारंभिक शिक्षा के बारे में। तो आई स्टार्टेड राइट अवे ऑफ द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, देख रहे हैं ना, यहीं से आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6, एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, इन द 6th फॉर्म माई टीचर वाज मिसेज कुपेरिया कुपेरस द हेड मिस्ट्रेस, एट द एंड ऑफ द ईयर वी वेयर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड द हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, देख रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, दो करना था, दोनों हो गए, इसमें से मैचिंग वर्ड है, बिल्कुल तीन अंक का छोड़ना नहीं है। अब ब्रेडिंग और डीजी, डीजी मीन्स होता है दूसरा, एंड अनकम्फर्टेबल फीलिंग आर स्पिनिंग अराउंड एंड लॉसिंग वंस बैलेंस, तो दूसरे का दूसरा मिला देंगे। अब प्रीनिंग है या अब फीदर है, देख रहे हैं ना, अब ब्रीडिंग फीदर, मेकिंग एफर्ट टू मेंटेन, और तीसरा है स्कोल्डिंग डांटना, तो प्रीनिंग का तीसरा का तीसरे से पहले का पहले से अपना मिला देंगे, या अपने विषयाचार या अपने किताब में देख लेंगे। अगला है, इसको पढ़ करके उत्तर देना है, रीड द फॉलोइंग पीस ऑफ पोएट्री एंड द चूज द राइट ऑप्शन, बट इफ इट हैड नो पेरिश ट्वाइस I think I know enough of hate to say that for destruction eyes is would suffice. What is the poet well versed with? तो hatred पहले दूसरा विकल्प सही है। Ice symbolize बर्फ प्रतीक है। Cold attitude of, देख रहे हैं ना, ये दोनों विकल्प इसके सही हैं। Give the central idea of any one of the following poem, चाहे central idea लिखेंगे, नीचे लिखा गया है write 4 lines poem, any one of poem given in your textbook, do not copy question paper, तो question paper से नकल करके नहीं लिखना रहता है, एक कविता याद करे रहेंगे, लिख देंगे, छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन, टॉप करना है, राइट हो गया। तीसरा, डू एनी वन ऑफ द क्वेश्चन अबाउट 25 टू 30 वर्ड, व्हाट थिंग्स डिड ट्रिकी लव टू ईट, और अगला है, What was Anil doing when the thief met him? Who was Max? Why did the entire assemble room? चौतीसरा तेरहवा क्वेश्चन है, डू एनी वन क्वेश्चन अबाउट 60 शब्दों में लिखना है, राइट द करेक्टर स्पेस ऑफ अनिल, अथवा व्हाई डिड ट्रिकी फॉल इल, देख रहे हैं ना, इसका आंसर लेते हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा कि ट्रिकी को क्या खाना, ट्रिकी लव टू ईट, क्या खाना पसंद करता था, तो बिल्कुल यही लिखेंगे, ही डज लव क्रीम केक एंड चॉकलेट, देख रहे हैं ना, वो ट्रिकी को यही बहुत ज़्यादा पसंद था खाना, ठीक है ना, इतना लिख देंगे, पूरा नंबर मिल जाएगा। अगला है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और था इसमें, देख रहे हैं तेरहवा में, कि राइट द करेक्टर स्केच ऑफ अनिल, या व्हाई डिड ट्रिकी फॉल इल, ट्रिकी बीमार क्यों पड़ गया, तो द स्टोरी टेलर्स, यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखेंगे, द स्टोरी टेल्स अस दैट एक्सक्विजिट एंड ब्लाइंड लव कैन पुट वन इन द ट्रबल, ऑल्सो द मैसेज दैट दिस टेल एवरी वन इज दैट टू मच ऑफ एनीथिंग इवन फूड कैन बी हार्मफुल एंड लेजीनेस कैन बी एनी वन वर्स्ड एनिमी, देख रहे हैं ना, पूरा इसको उसके बीमार होने का कारण था। और एक और है,
कि राइट द करेक्टर स्केच ऑफ अनिल, अनिल का चरित्र चित्रण लिखना है, इसका देखते हैं, देख रहे हैं ना। व्हाट वाज, दूसरा क्वेश्चन था इसमें का, व्हाट वाज अनिल डूइंग व्हेन द थीफ मेट हिम, देख रहे हैं ना, लॉन्ग इसको लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक पूरा। अनिल वाज एज स्लीप ए बीम ऑफ मूनलाइट, देख रहे हैं ना, पूरा यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे पूरा, देख रहे हैं, दिखाई दे रहा होगा, पूरा क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, पूरा पूरा नंबर मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अनिल का चरित्र चित्रण लिखने के लिए, तो देख रहे हैं हु वाज अनिल, पूरा अनिल के बारे में लिखा गया है ये क्वेश्चन, देख रहे हैं ना, पूरा यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे अनिल के बारे में, उसी का चरित्र चित्रण है, क्या सही है क्या गलत है बारे में दिखाई दे रहा है पूरा। अनिल हु आज अनिल कौन था, अनिल का चरित्र चित्रण लिखना है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।